रोहित की होगी छुट्टी, कौन होगा टीम का अगला कप्तान? वेस्टइंडीज दौरे से पहले हो गया ये बड़ा ऐलान, कोहली और सिराज भी नहीं खेल पाएंगे ये सीरीज। जुलाई में भारतीय टीम का वेस्टइंडीज दौरा है, लेकिन उससे पहले ही बीसीसीआई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। डब्ल्यूटीसी में हुई हार के बाद लगातार रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल भी रहता है कि क्या वेस्टइंडीज दौरे पर रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे। आपको बता दें, इस साल के आखिर में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, उसको लेकर के बीसीसीआई पूरी तरीके से तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में वेस्टइंडीज दौरा भी बहुत खास रहता है। वेस्टइंडीज दौरे से पहले बीसीसीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टइंडीज दौरे पर कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, वहीं सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा, जिसमें विराट कोहली, मोहम्मद सिराज भी शामिल हैं। इन्हें आराम दिया जाएगा और नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा ताकि विश्व कप की तैयारी भी हो सके। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि रोहित शर्मा को तीनों में से या तो टेस्ट में या वनडे में या टी20 में किसी एक फॉर्मेट में आराम दिया जा सकता है। हालांकि क्लियर अभी कुछ नहीं है किसमें दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में भारतीय टीम की कप्तान उस समय कौन संभालेगा। इतना जरूर तय है कि रोहित शर्मा को किसी न किसी एक फॉर्मेट में आराम जरूर दिया जाएगा। वहीं विराट कोहली और मोहम्मद सिराज शायद ही ये सीरीज खेलते हुए हमें नजर आएंगे। विश्व कप की तैयारी को लेकर बीसीसीआई लगातार एक्टिव है, ऐसे में एशिया कप और वेस्टइंडीज सीरीज काफी मायने रखती है। आपको क्या लगता है कि इस बार वेस्टइंडीज सीरीज में भारतीय टीम का कप्तान आखिर कौन होगा? क्या रोहित शर्मा ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की कमान किसके हाथ में होगी? क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और स्पोर्ट्स की हर अपडेट के लिए DNP Sports को सब्सक्राइब करना ना भूलें।